हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल पानी स्टोर में पढ़ने वाला है अनीता को जोरदार थप्पड़, क्योंकि धरा के सामने सच्चाई आ जाएगी कि अनीता ने ही वो तेल गिराकर अब ये सब हादसा करने की कोशिश की है, और वो धरा के कितना खिलाफ है, और वो इस घर में जगह बनाने के लिए कितनी भी गिर सकती है। और धरा के सामने ये सच्चाई आएगी जब यहाँ पर पगफेरे की रस्म को पूरा किया जाएगा, और यहाँ पर वो कुछ और ड्रामा करने की कोशिश करेगी और एक घटिया चाल चलने की कोशिश करेगी, और धरा उसे रंगे हाथ पकड़ लेगी। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? इतने दिनों से मेरी नजर तुम पर ही थी, और मैंने 2-3 बार तुम्हें ये देख करते हुए देख लिया है कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हो। उस दिन सीवा के और इन सब लोगों की वजह से तुम बच चुकी हो, लेकिन अब ये मत समझना कि तुम बच जाओगी। इस बार कोई भी गड़बड़ करी तो मैं सीधा तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। और अनीता को चैलेंज कर देती है कि अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में, मुझे में से किसी को भी कुछ हुआ तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा। और अनीता को पगफेरे की रस्म में ऐसा सबक सिखाएगी जिससे कि अनीता बहुत ही पूरी तरह से डर जाएगी। लेकिन वो इस चाल को और भी घटिया बनाने के लिए, यानी कि गौतम को पाने के लिए कितना भी नीचे गिर सकती है। अब उसके सर पर एक ही जुनून है कि वो गौतम को कैसे भी पा ले और इस घर में कैसे भी जगह बना ले। इसीलिए वो धरा के खिलाफ अलग अलग चालें चलकर उसे उसके साथ में कुछ ऐसा हादसा करने की कोशिश कर रही है ताकि धरा गिर जाए या फिसल जाए और कुछ ऐसा हो जाए इसके साथ, ताकि पूरे घर की कमान अनीता के हाथ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर धरा ने समझ लिया उसकी चाल और उसे कर दिया है चैलेंज, उसे वार्न कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसका रगबोरी बिस्तर यहाँ घर से बाहर फिंकवा देगी और अनीता का यहीं पर खेल खत्म कर देगी। तो दो एक ना इंटरेस्टिंग होगा कि धरा अब किस तरह से इस अनीता की हरकतों को रोकती है, और क्या अनीता भी इसकी धमकियों से डरकर चुप बैठ जाएगी।